नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है मर्तक साझेदार, के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना। मर्तक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसे हमें राशि देनी होती है। उसकी क्या करनी पड़ती है, हमें गणना करनी पड़ती है। तो उसकी गणना करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बनाते हैं उत्तराधिकारी को दे राशि के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के और उसे दे राशि निकालते हैं। कल हमने एग्जांपल किया था, हमने उसमें माना था कि पुनर्मूल्यांकन पर इतना लाभ हुआ, लेकिन हमने पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं बनाया, सिर्फ उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जिसकी मृत्यु हो गई। आज अपने देखो रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पहले देखो किसी फर्म में ए बी और सी तीन पार्टनर हैं जो लाभों को दो दो एक में बांटते हैं, जो लाभों को दो दो एक में बांटते हैं। बैलेंस शीट आपको बना के दी हुई है कि ये मान लो ये जो अपना साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल 2018 को होता है, तो समाप्त कब होएगा, 31 मार्च 2019 को। अब कह रहे मान लेते हैं बी की मृत्यु होगी और बी की मृत्यु हुई है वो हो गई 30 सितंबर को। बी की मृत्यु वो कब हो गई, 30 सितंबर को हो गई। तो 30 सितंबर को बी की मृत्यु हो गई, उस दिन आपके पास ये बैलेंस शीट थी, आपको बैलेंस शीट बना के दी हुई है। इधर देखो बैलेंस शीट, इसमें आपको दे दिया सबसे पहले कैश 50,000, कैश 50,000, बैंक में 1,00,000, स्टॉक 30,000 का, फर्नीचर 40 का, बिल्डिंग 60,000 की, गुडविल 20,000 की, टोटल आ गया 81,220, टोटल हो गया अपना 3,00,000। इधर भी टोटल 3,00,000 आना चाहिए। आपको दे दिया क्रेडिटर्स 40,000 के, बिल्स पेबल 10 का, जनिजरव
20,000 का बाकी कैपिटल दे दिया आपको, तो ये आ गया अपना 40, 50, 70। तो ए बी सी, ये आ गया अपना 81,000, 1,00,000 टोटल होना चाहिए यहाँ पे अपना, ये हो गया 70, तो 230 होना चाहिए, तो सी की होगी 50,000। टोटल हो गया 2,30,000, टोटल आ गया अपना इसका 3,00,000। अब आपको निम्न समायोजन दिए गए हैं, समायोजन क्या है देखो, नंबर एक स्टॉक का मूल्य है, दस प्रतिशत कम कीजिए तथा फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाइए। फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाइए। नंबर दो, भवन के मूल्य में 10% वृद्धि होगी, भवन के मूल्य में 10% वृद्धि होगी। नंबर तीन, ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया, नंबर चार गत वर्ष का लाभ 80,000 रुपये है तथा इसमें 10% की वृद्धि करनी है। नंबर पांच, बी को पूंजी पर 10% ब्याज देना है। देय राशि की गणना कीजिए, बी को देय राशि की गणना कीजिए। और पहले देखो ये आपको दिया, आपको बी को देय राशि गणना करनी है। सबसे पहले आपको इसमें क्या बनाना है, सबसे पहले आपको इसमें बनाना पड़ेगा रिवेल्युएशन अकाउंट। तो पहले रिवेल्युएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक का मूल्य 10% कम कीजिए, स्टॉक कितने का 30,000 का, 30,000 का 10% कम करना है तो 3,000 हो गया, तो स्टॉक के मूल्य में कमी कितनी करनी है 3,000, टू स्टॉक 3,000। फर्नीचर पे 10% ह्रास लगाना है, फर्नीचर दे रखा है अपने को 40,000 का, ह्रास कितने का लगाना है 10% का, तो 10% ह्रास लगाओगे तो 40,000 का 10% 4,000 हो गया, तो क्या करना आपको, टू फर्नीचर चार हजार से, फर्नीचर कितने से आ गया
4000 से भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि करनी है। भवन के मूल्य में क्या करना आपको, 10% की वृद्धि करनी है। तो 10% वृद्धि करने का मतलब भवन के मूल्य में वृद्धि होगी तो प्रॉफिट होएगा। भवन के मूल्य में क्या है, जो वृद्धि हुई तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो भवन कितने का दे रखा है, 60,000 का। 60,000 का बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की आ गई, 6,000 की। अब क्रेडिट में 6,000 और डेबिट में 7,000, तो क्या हो गया, रिवेल्यूशन पे 1,000 का लॉस हो गया। रिवेल्यूशन पे क्या, 1,000 का लॉस हो गया। उसे क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। रेशियो क्या है, 2/5, 2/5 और 1/5, कितना आ गया, 400 और 200। ये होगा अपना रिवेल्यूशन का लॉस हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है बी को देय राशि निकालनी है, क्योंकि मृत्यु बी की हुई है। अब बी को देय राशि निकालने के लिए आपको क्या करना है, बीज कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, बी को देय राशि निकालने के लिए बी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं, बी के खाते में पूंजी खाते का 1,00,000 का शेष है। कितना शेष दे रखा है, 1,00,000 का। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में ऐसी कोई राशि है क्या जो हमें साझेदारों में बांटनी है, ऐसी राशि क्या है, रिजर्व है। रिजर्व है जिसे क्या करना आपको, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हमें तो सिर्फ किसका हिस्सा चाहिए, बी का हिस्सा चाहिए। तो क्रेडिट में होएगा रिजर्व का, क्योंकि इधर क्रेडिट है, लायबिलिटीज है, क्रेडिट है, प्रॉफिट है, वो क्या करेंगे पार्टनर को देंगे। देते हैं तो यानी पार्टनर के क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय जनरल रिजर्व, वाय जनरल रिजर्व। अजन रिजर्व कितने का दे रखा है, अब जन रिजर्व इसमें दे रखा है 20,000 का। इसे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20,000 का जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या करोगे, देखो 20,000 में किसका हिस्सा निकालना हमें, सिर्फ बी का। उसका हिस्सा 2/5, 2/5 है तो कितना आ गया यहाँ पे, 8,000 रुपये आ गया। कितना आ जाएगा, 8,000। तो बी का हिस्सा इसमें कितना हो गया, 8,000 रुपये हो गया। और कोई बांटने वाली चीज़ है नहीं। उसके बाद इधर देखो ख्याति खाता कितने से खुला हुआ है, 20,000 से। ख्याति खाता है वो खुला हुआ है 20,000 से। तो हमें क्या करना है, 20,000 से पहले ख्याति खाते को बंद करना है। और ख्याति खाते को जब बंद करते हैं तो ख्याति खाते को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसकी एंट्री करनी पड़ती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ओल्ड तीनों ही हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट,
एबीसी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, टू क्या करोगे गुडविल अकाउंट, एबीसी गुडविल कितने हो गए देखो, गुडविल है अपनी 20,000 की, बांटनी ये जो एंट्री होती है वो पुराने अनुपात में होती है, तो पुराना अनुपात उनका क्या है 2:2:1 है, 2:2:1 होएगा तो 8,000 और 4,000 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया अपना 20,000 का। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल। उसके बाद क्या करना आपको, देखो ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पे किया जाए। अब ख्याति है वो कितने की है, 60,000 की, तो पहले क्या करना है, इस ख्याति में बी का हिस्सा निकालना है। ख्याति में बी का हिस्सा, टोटल गणना करने में 60,000 की और 60,000 का 60,000 का कितना आ जाएगा, 60,000 का 2/5 तो कितना आ गया अपना 24,000 आ गया। 60,000 का कितना आएगा 2/5, 24,000 आ गया। तो हमें इसके लिए एंट्री क्या करनी पड़ती है, इसके लिए एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली, तो मृतक तो कौन है, बी है, तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल, इन रिमेनिंग बच गए ए और सी, एज कैपिटल अकाउंट शीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल, तो कितना गया सी टू बी, वो आ गया टोटल कितना हिस्सा इसका 8,000 है, तो बी के तो आ गया अपना टोटल है देखो किसमें 24,000 हिस्सा निकाला, तो बी का तो आ गया 24,000। इसे किस रेशियो में, फायदे के अनुपात में, फायदे के अनुपात में करेंगे तो आएगा 16,000 और 8,000, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो क्या है 2:1 है फायदे का, 16 और 8 आ गया। तो इसमें आ गया अपना देखो, एंट्री बनी पहली तो अपनी एज कैपिटल बीज कैपिटल सी टू गुडविल, पहले क्या लिखेंगे इधर टू गुडविल आ गया, तो टू गुडविल आया कितने रुपए से आ गया देखो, हमें सिर्फ किसका हिस्सा लेना है बी का, तो बी में टू गुडविल आ गया और अमाउंट कितनी आ गई 8,000 से आ गई, बी में अमाउंट कितनी आ गई 8,000 से आ गई। उसके बाद देखो दूसरी एंट्री हमने करी ए सी टू बी, इन वो एंट्री करनी है जब अमाउंट किस में आ जाए, अमाउंट आ जाए बी में, तो बी में अमाउंट जब आएगी तो हम ए और सी में लिखेंगे, आपको एंट्री करनी पड़ेगी बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, ए और सी में कितना हो गया देखो, ए के आ गया 16,000 और सी के कितना आ गया 8,000, तो ए के आ गया 16,000 और सी के आ गया 8,000, लेकिन बी के तो टोटल कितना हिस्से में आया 24,000, तो टोटल बी का 24,000 हो गया। उसके बाद देखो रिवेल्यूशन का जो लॉस या प्रॉफिट है, रिवेल्यूशन का लॉस या प्रॉफिट कितना आया अपना 400 400 200 आया है, 400 400 200, हमें सिर्फ बी का हिस्सा चाहिए, तो बी का कितना आया 400, रिवेल्यूशन के क्रेडिट साइड में आने का मतलब लॉस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा टू रिवेल्यूशन अकाउंट, टू रिवेल्यूशन अकाउंट कितना हो गया, ये हमारा हो गया 400 रुपये का। उसके बाद देखो ये हमने कर दिए दोनों जो रिवेल्यूशन में हो गए, ख्याति वाला अपना हो ही गया, गत वर्ष का लाभ 80,000 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि करनी है, तो देखो गत वर्ष का लाभ कितना दे रखा है, का लाभ बराबर 80,000
एड इंक्रीज, इंक्रीज करोगे 10%, 8,000 आ गया टोटल, ये हो गया 88,000। अब 88,000 तो क्या हो गया, पूरे साल का हो गया। हमें चाहिए सिर्फ कितने महीने का, 1 अप्रैल से, और मृत्यु 30 सितंबर को हुई है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने होते हैं, तो हमें 6 महीने का चाहिए, तो 6 महीने का हो गया अपना 44,000। यानी कि सबसे पहले तो क्या करना, पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 80,000, उसमें क्या करना आपको इंक्रीज, तो इंक्रीज कितना हुआ, 10%, यानी 8,000 इस साल का प्रॉफिट है वो 88,000 होएगा। लेकिन 88,000 वो तो क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। हमें चाहिए सिर्फ कितने महीने का, हमें चाहिए सिर्फ 6 महीने का, तो 6 महीने का 44,000 आ गया। लेकिन 44,000 वो क्या है, पूरी फर्म का आ गया। हमें किसका चाहिए, हमें सिर्फ बी का चाहिए, तो बी का जब प्रॉफिट होएगा तो बी का हिस्सा निकालो। अब बी का हिस्सा निकालते तो उसके लिए एंट्री इधर करते हैं, बाय पी एंड एल सस्पेंस। तो पी एंड एल सस्पेंस में कितना आएगा, देखो टोटल है 44,000, 44,000 का उसका है 2/5, तो ये आ गया 8,800। तो टोटल कितना आ गया, 17,600। टोटल कितना आ गया, 17,600। अब 17,600 टोटल आ गया, ये इसका हिस्सा आ गया जो पी एंड एल सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बी को पूंजी पर 10% ब्याज देना है। ब्याज भी कितने महीने का देना पड़ेगा, 6 महीने का, क्योंकि वो 10% क्या है, ये वार्षिक, मान लो वार्षिक है इसमें। अब 10% वार्षिक, बी की जो कैपिटल है वो 1,00,000 है, 1,00,000 का यदि 10% निकालें, 1,00,000 का तो फ्रेंड 10,000 आता है। लेकिन हमें कितने महीने का चाहिए, सिर्फ 6 महीने का चाहिए, तो 6 महीने का कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना आ गया वो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया अपना 5,000 रुपये, यानी 1,00,000 का 10%, 10,000, 6 महीने का 5,000 हो गया। टोटल करो, और कोई अमाउंट रही नहीं है अपने, एक बार फिर चेक करो। सबसे पहले तो देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले बी को दे राशि 1,00,000 रुपये है, वो यहाँ पे ट्रांसफर करी बाय बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपये से। उसके बाद देखो बांटने वाली चीज़ों में यहाँ पे क्या दे रखा है, बांटली वाली चीज़ों में यहाँ पे दे रखा है जनिजरव। अब जनिजरव वो कितने का है, 20,000 का है, उसे बांटना है दो दो, एक में तो हमें सिर्फ बी का हिस्सा चाहिए। तो जब अपने 20,000 को 2/5 किया तो उसका कितना आ गया, 8,000 आ गया। उसके बाद इधर देखो ख्याति पहले से खुली हुई 20,000 की, इसकी एंट्री करेंगे तो ए बी सी टू गुडविल होगी, यानी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो टू गुडविल में कितने रुपए भेजने, तो बी के हिस्से के हैं, बी का हिस्सा कितना है, 8,000, तो टू गुडविल कितनी आ गई अपनी, 8,000। उसके बाद देखो अब ख्याति का मूल्यांकन है वो 60,000 रुपये किया गया, तो ख्याति का मूल्यांकन कितने पर करना है आपको, 60,000 रुपये करना है। तो 60,000 में पहले बी का हिस्सा निकालो, तो 2/5 तो कितना आ गया, 24,000, और 24,000 से एंट्री करो रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर वाली। तो रिमेनिंग कौन कौन है, रिमेनिंग है अपने ए और सी, रिटायरिंग है बी। ये एंट्री होती है फायदे के अनुपात में, तो बी चला गया तो फायदे का अनुपात 2:1 माना जाएगा। तो जो कितना हो गया देखो, इसके 24,000 इसका हिस्सा है, 60,000 का 2/5, उसे 2:1 में बांटा तो 16:8 आ गया, लेकिन बी के 24 आना चाहिए, तो बाय एज बाय सीज 16,000 और 8,000 आ गया। अब देखो लाभों में हिस्सा, गत वर्ष का लाभ 80,000 है, तो गत वर्ष का लाभ कितना है, 80,000। पहले क्या करना आपको, 80,000 का कितना परसेंट निकालना है, 10%, 80,000 का 10% 8,000 आ गया। तो इस साल का प्रॉफिट कहते हैं 10% वृद्धि, 8,000 वृद्धि होगी। 80 में कितने और जोड़ दिए, 8 और जोड़ दिए, 80 में 8 जोड़े तो कितने आ गए, 88 हो गया पूरे साल का। हमें चाहिए सिर्फ 6 महीने का, तो 6 महीने का आ गया अपना 44,000, और 44,000 में जब निकाला हमने बी का हिस्सा तो वो आ गया 17,600 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी 1 लाख है, लेकिन वो तो 1 अप्रैल को या 30 सितंबर को उसकी मृत्यु होगी, तो 6 महीने के निकालो, तो 6 महीने का निकालोगे तो 1 लाख का 6 महीने का 10,000 हो गया, सॉरी 10% 10,000 हो गया, 6 महीने का निकाला तो 5,000 आ गया। अब आपको टोटल देय राशि निकालनी है, कोई चीज़ बची नहीं अपनी, इसका टोटल करो, 1 24 1 32 1 32 1 49 1 54 600 1,54,600। अब 1,54,600 में से 8,400 गए, तो 54 में से 8 गए, 1,46 200 बच गए, तो हमें किसको देने हो, ये टू बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को कितने देने हैं, देखो 1,54,600 में से 8,400 गए, 1,46,200 बच गए, ये आपको बी को देने हैं 1,46,200 रुपये, टोटल आ गया 1,54,600। तो इस तरह से बी को कुल देय राशि वो है वो कितनी आ गई, 1,46,200 आ गई। कई बार ये कहते हैं कि बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का खाता बनाइए, तो आपको क्या करना है, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव में बाय बीज कैपिटल लिखना है 1,46,200 से, और फिर वो राशि उसे नकद देनी है। वो कैसे बनेगा, देखो अगर मान लो आ जाए कि बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का खाता बनाइए, ऐसे बनाएंगे, देखो बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट सबसे पहले क्या करोगे, इसमें वो अमाउंट ट्रांसफर करोगे जो बी को देनी है हमें, वो 1,46,200 कहां से लाना है, बाय बीज कैपिटल से, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 1,46,200। अब क्या करना है, टू बैंक और टू कैश दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 1,46,200 न तो कैश में पूरे न बैंक में, बैंक तो पूरा दे दो 1,00,000 रुपए से, तो बैंक में तो लिखा 1,00,000 और 46,200 वो कैश में से दे दो, टोटल इसका पेमेंट हो गया 1,46,200। तो सबसे पहले क्या करना आपको, बी का जो कैपिटल है वो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ट्रांसफर कर दिया और फिर उसका पेमेंट कर दिया। इस तरह अपना निकल गया मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना। तो ये हो गया अपना टॉपिक एक पूरा, कल करेंगे अपना नया टॉपिक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।